नमस्कार, मैं ऋषभ गुप्ता, कलेक्टर देवास। आप सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बारिशों के मौसम में सबको ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं भारी मात्रा में पेड़ लगाएं। हम सभी प्रयास भी करते हैं, काफ़ी जगहों पर बीज बोते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी बीज को पशु पक्षी खा जाते हैं, कभी तेज़ हवाओं में या फिर तेज़ बारिश में वो बीज बह जाते हैं और उसके चलते हमारे वृक्षारोपण के प्रयास सफल नहीं हो पाते। इसी के संबंध में एक अभिनव विचार है सीड बॉल। सीड बॉल के माध्यम से हम अपने जो प्रयास हैं उनको सफल कर सकते हैं एवं भारी मात्रा में पेड़ लगा सकते हैं। आइए सुनते हैं सबसे पहले श्री महेश मिश्रा को, जो इस संबंध में सीड बॉल के विचार को विस्तृत रूप से आप सबसे साझा करेंगे। हम लोगों ने प्रकृति को नष्ट कर दिया, हमने प्रकृति से बहुत कुछ ले लिया लेकिन हमने दिया क्या। तो प्रकृति को रिवाइव करने के लिए, हमारे पेड़ों को रिवाइव करने के लिए, जंगल बनाने के लिए आज मैं आपके साथ एक वो चीज बता रहा हूँ जिससे आप अपने बच्चों की इन छुट्टियों में एक फन प्ले के साथ अपना कंट्रीब्यूशन नेचर को कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत आसान तरीका है, मैंने ये बना रखे हैं, ये मेरे सीड बॉल्स हैं, इनको मैं सीड बॉम्ब बोलता हूँ, प्रकृति की टॉफी बोलता हूँ। आप बच्चों से बनवाइए, खुद बनवाइए और प्रकृति को भेंट करिए। अब ये कैसे बनेंगे, क्या इनका उपयोग है, कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसा मैंने बताया, सीड बॉल के लिए आपको मिट्टी चाहिए, खाद चाहिए और पेड़ों के बीज चाहिए। यहाँ पे मेरे पास नीम के बीज हैं, इनको हम लोग निमोली बोलते हैं। तो ये निमोली है, मिट्टी है, खाद है। और चलिए मैं शुरू करता हूँ, हम लोग सीड बॉल कैसे बनाते हैं। मिट्टी, खाद, इसको आपको मिलाना है और इसको हल्का सा नम कर देना है। आपको बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना, आपको इसको नम करना है। ये देखिए, जब ये नम हो जाए, आपको लगे कि ये लड्डू बनने लायक हो गया तो मतलब आपको इसको यूज करना है। अब आपको क्या करना है, आपको मिट्टी लेनी है, आपने ये बनाया, आप इसमें बीज रखिए। देखिए, मैंने बीज रख दिए और आप इसको ये देखिए, ये मेरा लड्डू तैयार। अभी आपके सामने मैंने बीज के लड्डू बनाए हैं, सीड बॉम्ब्स। अब आपने ध्यान दिया होगा, मैंने इसमें मिट्टी के साथ में वर्मी कंपोस्ट या कोई भी खाद मिलाई है। उसका कारण क्या है कि ये अपने आप में एक पोषक लड्डू है। अंदर जो बीज है उसको जर्मिनेशन के लिए, जब तक वो जड़ पकड़ के जमीन में नहीं जाएगा, जब तक उसके पास पोषक तत्व तो इसमें अवेलेबल है। अब इसको मैंने आपको कहना है, आप इसको धूप में न सुखाएं, छायादार जगह में सुखाएं। आप इसको इमीडिएट धूप में रखे सुखाएंगे तो लड्डू फट जाएगा, लड्डू फट जाएगा तो वो लड्डू के फॉर्म में नहीं रहेगा, आपका सक्सेस रेट नहीं रहेगा। तो ये परफेक्ट बने, देखिए ये छाया में सुखाए हुए लड्डू हैं और आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट बने हुए। तो इसलिए आपको धूप में नहीं सुखा के छायादार जगह में सुखाना है और इस लड्डू के फॉर्म में आपको तैयार कर लेना है। हर लड्डू में आपको दो या तीन बीज डालने हैं, एक बीज नहीं डालना, ताकि उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज ज्यादा हो। गलती से एक बीज सक्सेस नहीं हो तो दूसरा बीज सक्सेस होगा। तो कोशिश करिए कम से कम दो बीज एक लड्डू में जरूर डालिए। देखिए, ये मेरे पास सीड बॉल सूखने के बाद तैयार हो गए, ये बीज लड्डू तैयार है। अब आपने क्या करना है, जो मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये कलरफुल टिश्यू पेपर लेता हूँ, इसको हम लोग इसकी लड्डू की टॉफी बना लेते हैं, इसको मैं मदर अर्थ की टॉफी बोलता हूँ। तो आपके बच्चे बड़ा एंजॉय करेंगे, उनको लगेगा कि हमने कुछ क्रिएटिव वर्क किया है। तो ये मदर अर्थ की टॉफी है, बच्चों को बोलिए आप अपनी टॉफी करिए, ये मदर अर्थ की टॉफियां प्रकृति को दीजिए। मैंने देखिए ये टॉफियां बना के रखी थी, ये बहुत सारी टॉफियां। मैं क्या करता हूं, अपने घर में जब भी बच्चे आते हैं, किसी फंक्शन में आते हैं या मैं किसी फंक्शन में जाता हूं जब बच्चे होते हैं, मैं उन सबको ये बीज लड्डू की टॉफियां उपहार में देता हूं और उनसे कहता हूं कि आपने प्रकृति को क्या देना है। आप ये उनको बोलते हैं कि जहां वो घूमने जाते हैं, पब्लिक पार्क्स में जाएं, रोड साइड में जाएं, जंगल साइड में जाएं, पिकनिक के लिए जाएं, कहीं आउटडोर टूर पे जाएं, तो अपने साथ रखें। जैसे मैं करता हूं, मैं पूरे के पूरे कार्टून भर के अपनी गाड़ियों में रखता हूं, मैं घूमते रहता हूं, मैं प्रकृति का प्रेमी हूं, मैं पर्यावरण का प्रेमी हूं, तो मैं हमेशा अपने साथ पौधे नहीं रख सकता।
तो वृक्षारोपण करने का इससे आसान, सुगम और मजेदार तरीका कोई नहीं है। आपके बच्चे एंजॉय करेंगे, आपके बच्चे लड्डू को फेंकने का एंजॉय करेंगे। आपको क्या करना है, लेना है, बच्चों को बोलिए फेंकिए, जहां वो जाएगा कुछ समय के बाद पानी के साथ ये पेपर गल जाएगा, मिट्टी नम होगी, बीज अंकुरित होना शुरू हो जाएंगे और जब तक अंकुरित हो गए जड़ उसकी जमीन में जाएगी, जब तक ये सीड बॉल उसको पोषित करता रहेगा और वो पौधा विकसित हो जाएगा। तो ये चीज, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, हमने ये प्रयोग स्कूलों के बच्चों के साथ किया है, भिन्न भिन्न स्कूलों के साथ, आर्म फोर्स के स्कूलों के साथ किया है, गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ किया है, पब्लिक स्कूल्स के साथ किया है, और आपको सुनकर ताज्जुब होगा हजारों हजारों की संख्या में ये बीज लड्डू टॉफियां बच्चों ने बनाई हैं और प्रकृति को प्रदत्त की हैं और उसका रिजल्ट हमने देखा है। वहां पे हम लोगों ने हरियाली देखी है, पौधे बनाना शुरू हो गए हैं। तो आप भी अपने बच्चों के साथ ये प्रयोग करिए, प्रकृति को प्रदत्त करिए, खुश रहिए। तो दोस्तों ये जो बीज लड्डू आप बना रहे हैं, आप इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि जब हम प्रकृति के लिए रोड साइड में, जंगल साइड में कहीं भी लगा रहे हैं तो आप बीज वो लीजिए जो टिम्बर ट्री हो, हार्डी प्लांट हो। जैसे मैंने बोला अभी आपको नीम का बीज बना के दिया, आप नीम का बीज लीजिए, शीशम का बीज लीजिए, गुलमोहर का बीज लीजिए, पाकुड़ का बीज लीजिए, जो इजीली है, हार्डी है, आप उनके बीजों के लड्डू बनाइए और प्रकृति को प्रदत्त कीजिए। घरों के लिए आप बच्चों को गिफ्ट करते हैं तो आप सॉफ्ट प्लांट्स का भी दे सकते हैं, आप फूलों के प्लांट्स बना सकते हैं, सब्जियों के बीज दे सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज आपको मेरे बीज लड्डू का वीडियो बहुत पसंद आया होगा।